मुकाबला आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब मुकाबला होगा सीधा पब्लिक के बीच से, जहां जनता के सवालों के जवाब देंगे नेताजी। यानी नेता इधर से उधर अब भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि सीधा उन्हें जनता की कसौटी पर उतरना होगा खरा, तभी नेताजी को मिलेगा जनता का समर्थन। तो आज जनता मेरे साथ है, नेता हमारे साथ मौजूद है, और आज मुद्दा भी बड़ा गर्म है। आज बात उस मुद्दे की करेंगे जिसे विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और वो मुद्दा है सीबीआई और ईडी का। चुनाव से ठीक 10 दिन पहले कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने विपक्ष के नैरेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। आज जो कोर्ट ने कहा, आज जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया, उससे साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी तरीके से अवैधता नहीं बरती गई थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कोर्ट ने सही माना है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर खूब सियासत हुई। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक बाद रामलीला मैदान में विपक्ष के नेता जुटे थे। हाथों में हाथ डालकर यह दावा किया गया था कि मौजूदा सरकार ईडी और सीबीआई को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, और इससे चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आज कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस गिरफ्तारी का टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। ईडी गिरफ्तारी कर सकती है, यह अधिकार ईडी को है, और इसे चुनाव से देखा जाना पूरी तरीके से गलत है। गवाहों को लेकर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि गवाहों की गवाही के लिए 100 साल पुराना कानून है, और गवाहों पर सवाल उठाना यानी कि जज साहब पर सवाल उठाना है। यानी सीधे तौर पर आज जो हाईकोर्ट ने कहा, उससे विपक्ष का पूरा जो नैरेटिव है वो ध्वस्त हो गया है। आज टीएमसी भी के जो कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, वो दिल्ली में हैं, और जमकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। मांग की जा रही थी ईडी, सीबीआई और एनआईए के डायरेक्टर को बदला जाए चुनाव आयोग के। सियासी ड्रामा सड़क पर देखने को मिला, लेकिन हाईकोर्ट ने जो कहा उसके बाद विपक्ष के पास क्या रास्ता बचता है, आइए इसी सवाल के साथ करेंगे अपनी चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त हैं, शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ हैं एलजेपीआर से, तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी से भी हमें हमारे जो मेहमान हैं वो ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और देखिए, अपने कार्यक्रम के पहले राउंड की आइए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ना तो मैं जज हूं, घनश्याम तिवारी जी आप ही से सवाल लूंगी, और मेरा पहला राउंड है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है कोर्ट ने कहा है, ना मैं जज हूं, ना आप जज हैं, ना यहां पर बैठी हुई जनता जज है, अगर कानून के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो। आज कोर्ट ने जब कह दिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, तो क्यों नैरेटिव चलाना कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? नमस्कार आप सभी को, टीवी पर देख रहे दर्शकों को, मेरे को, पैनलिस्ट को। मैं कुछ दस्तावेज अपने साथ लेकर आया हूं। पहले तो ये मैगजीन है गोरख धंधा, ये मैगजीन अप्रैल का प्रकाशन कहता है अयोध्या में राम मंदिर की आड़ में जमीन की लूट। पूरा लेख है, आप में से कोई भी पढ़ सकता है। खैर उससे आगे बढ़ते हैं। फिर अगला दस्तावेज है दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, तमाम अखबारों ने छापा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा था, ये किसने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर परकला प्रभाकर ने कहा, जो कि वित्त मंत्री जी के पति हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है चंदा दो धंधा लो। चंदा दो धंधा लो में कौन से लोग हैं, ये तीसरा दस्तावेज जो आज के कोर्ट के केस पे से जुड़ा हुआ है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये हैं वो व्यक्ति जिनका बेटा मुख्य आरोपी है शराब घोटाले में, और ये उसके साथ खड़े हैं जो कि चंदा लो धंधा लो के जेम्स बॉन्ड के रूप में देश में उभरे हैं, जिनके बारे में वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया है। बहरहाल ये 25 लोगों की तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, आप लोगों ने देखा होगा, ये वो 25 नेता हैं जो अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए। इनके ऊपर सीबीआई, ईडी, आईटी, तमाम तरह के करप्शन केसेस चल रहे थे। इन केसेस को पिछले 5 सालों में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और उसके बाद वित्त मंत्री मंच से कहती हैं, ऐसे ही मंच से आप लोगों के बीच में कहती हैं, भारतीय जनता पार्टी में ऑल आर वेलकम, आप अगर देशद्रोही हैं भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं यू आर वेलकम। बात रही भारतीय जनता पार्टी की, घनश्याम तिवारी जी में टोकना नहीं चाह रही थी, आज जनता की अदालत यहां पर लगी हुई है, जनता आपके एक एक सवाल का जवाब भी देगी और आपके आपसे सवाल भी पूछेगी। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को क्यों गलत बताने पर जुटे हुए हैं, जबकि सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट ने कह दिया है गिरफ्तारी सही है, ईडी को अधिकार है। सारे सबूतों के आधार पर यह नहीं कहा कि गिरफ्तारी सही है। जिस हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी को बेल नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट को बेल मिली है, उसी हाई कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जाएंगे। लेकिन मुख्य बात क्या है,
जज के सामने एक बेल को लेकर याचिका नहीं थी। घनश्याम तिवारी जी, बेल को लेकर तो याचिका थी नहीं, गिरफ्तारी अवैध है, आप ये प्रूफ करने जा रहे थे लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए ना। बेल को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में कल भी याचिका होगी और जज के सामने आप सभी लोगों ने वो 9 मिनट की बाइट सुनी होगी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, जो कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि असली शराब घोटाला तो तब शुरू हुआ जब इस व्यक्ति के जो एक मुख्यमंत्री कोर्ट से बड़े हो जाएंगे। आप टोकिए मत प्लीज। नहीं नहीं, आप जवाब देने कोर्ट से बड़े हो जाएंगे, आधे वाक्य में जवाब नहीं दिया जा सकता। नहीं, कोर्ट से बड़े हो जाएंगे, आधे वाक्य में जवाब। आप जब ये कहते हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो जज साहब से बड़े हो जाएंगे, ये बात ही नहीं है। जज के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये व्यक्ति जिनका बेटा मुख्य आरोपी है, असली शराब घोटाला तब शुरू हुआ जब ईडी ने उनके बेटे पे दबिश बनाई और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जहां मनी ट्रेल है भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए दिए। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में यहां लेकर आए घनश्याम तिवारी जी, तो कुछ मेरे पास भी आज जो कोर्ट ने कहा, साफ कहा, अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल उठा रहा हूं, पहला मामला नहीं है जहां पर सवाल उठा रहा हूं। दर्ज किए गए हो, इससे पहले भी कई मामले आए हैं। मैं इस तस्वीर कोर्ट का मामला, मैं इस तस्वीर पे सवाल उठा रहा हूं। मैं ये आप सवाल उठाइए तस्वीर पर, लेकिन आपकी दलील कोर्ट के अंदर नहीं चल रही है। एनडीए के एनडीए के अंदर नहीं चल रही है घनश्याम तिवारी जी, उम्मीदवार के रूप में। जनता फैसला कर रही है, लेकिन आप केजरीवाल के केस को देख रहे हैं, आपको लगता है जज साहब ठीक है, अरविंद केजरीवाल ठीक है? खड़े हो जाइए। जज साहब ठीक है क्योंकि सर्वोपरि हमेशा लॉ होता है। अब आप लॉ को भी सवाल करेंगे तो गलती आपकी हमारी थोड़ी है। कह रहे हैं वो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, कैसे गिरफ्तार कर लिया? लोकप्रिय है, लोकप्रिय तो मोदी जी भी है, अमित शाह जी भी है, पर यहाँ पे गलत और सही की बात हो रही है। अब बताइए कोर्ट का फैसला ठीक है या जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो करना ठीक है? देखिए, जो फैसला हुआ है कोर्ट के बदल तो कुछ भी नहीं है, कोर्ट जो भी है वो कोर्ट ही सबसे लोकप्रिय है सर। यानी कोर्ट का फैसला ठीक है आपके नजर? बहुत सही है सर। कोर्ट का फैसला ठीक है आपकी नजर में? कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। कोर्ट ने भी कोई तथ्य देखे होंगे, उसी आधार पे जो है इसको वो किया होगा, तो हमको इसका सम्मान करना चाहिए हम सबको। अब राजेश गुप्ता जी हमारे साथ आ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आपने जनता को तो सुन ही लिया होगा। राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अब कोर्ट ने जो कहा है उसे ना सुनकर आप अपने आप को सर्वोपरि बताते रहेंगे तो गलत मैसेज जाएगा ना जनता के बीच में भी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि आप पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं भी जाएंगी और ये पूछेंगी कि क्या कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं होना चाहिए। अच्छा बदल देती हूँ, अच्छा रुकिए एक मिनट, बदल देती हूँ। मुझे कोर्ट का फैसला आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, कौन देगा जवाब? मैम, कोर्ट का फैसला सही होना चाहिए। एक तरफ मैं कहूंगी विपक्ष जो है, बल्कि सभी कहते हैं कि हमें संविधान को मानना चाहिए, और दूसरी तरफ जब कोर्ट ने फैसला दिया आपको उसको मानना नहीं है। सर ये तो एक ही बात में दो बातें होंगी ना। अब दीजिए राजेश गुप्ता जी। देखिए, अब भी ये सवाल गलत है आपका सवाल पूर्णतः गलत, गलत है। अगर आप सुनिए, सही है तो आम आदमी पार्टी नहीं, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ रही हूं। इस देश के अंदर एक कानून चलता है, कोर्ट कोई भी फैसला देगा, आपको अच्छा लगे या लगे ना लगे, मुझे लगे या ना लगे, जनता को लगे ना या लगे, उसका एक तरीका है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसके ऊपरी कोर्ट में जाइए, उसे चैलेंज कीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छे वाली बात नहीं है। कोर्ट देखता है कानून, कानून बनाती है संसद, संसद ने पीएमएलए एक्ट के अंदर ऐसे बदलाव कर दिए हैं कि उसके अंदर बेल देने के लिए, पहली बात और समझिए, ये बेल की बात ही नहीं थी, ये रिमांड की बात है। तो रिमांड की बात, ये रिमांड की बात थी। तो कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है भाई, रिमांड है, अभी और दिन के चलने दीजिए, ये कह दिया ना कोर्ट ने, कह दिया गिरफ्तारी सही है। गिरफ्तारी आपने बोला था कि गिरफ्तारी इलीगल है। गिरफ्तार हम तो कहेंगे, हम तो दोबारा जाके कहेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट का फैसला गलत है, दोनों बातों में फर्क है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात होगी, और उसको चैलेंज करने का एक तरीका है। देश का संविधान है, कोर्ट अपने फैसले देगी, उसके ऊपर कोर्ट है, उसके ऊपर कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर बेंच रखती है, तो अपने अपने तरीके उसके जाने के। अच्छा, जो राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं वो सही लग रहा है आपको? खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। विश्वास बोल रहा हूँ, मेरा मानना राजेश जी सही कह रहे हैं। मतलब हर बार आम आदमी पार्टी को, मतलब ये तो एक तरह से ये है ना कि मैच शुरू होने से पहले प्लेयर्स को इंजर्ड किया जा रहा है, कभी मनीष सिसोदिया जी को जेल में भेज दिया जा रहा है, कभी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया जा रहा है। अगर खेल खेलना है तो फेयर खेलो ना, ऐसे खेल कर क्या फायदा। आप शिवम त्यागी जी, इसका जवाब तो आपको देना होगा। देखिए, जज का फैसला अपनी तरफ, राजेश गुप्ता जी जो कह रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन जनता सब जान रही है, पहले से ही प्लेयर को आउट कर रहे हैं आप। देखिए, आज जज साहब ने साबित कर दिया कि केजरीवाल जी की आत्मा और शरीर अब एक ही साथ रहेंगे जेल में फिलहाल, तो इतना तो तय हो गया। अब आप
अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया नहीं कोर्ट ने ऐसा कह दिया, हम बेईमान नहीं है, हम तो बहुत ईमानदार हैं, जज भी खुद ही बन जाएंगे, गवाह भी खुद ही बन जाएंगे, कोर्ट भी खुद ही बन जाएंगे। जज साहब ने कहा बैठ जाओ जरा शांति से, जज मैं ही हूं, मैं ही तय करूंगा कि क्या हो आप, आज तय कर दिया। दूसरा, राजेश चौधरी कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे समझ में ही नहीं आया, इनकी आधा दर्जन लोग जेल चले गए, इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। भाई कब समझोगे आप? जज भी समझ गए, देश की जनता भी समझ गई, कहते हमें समझ ही नहीं आ रहा। अब इंपॉर्टेंट विषय पर आते हैं, ये विषय नहीं है कि किसको पसंद है फैसला, किसको नहीं पसंद है। जाहिर है आज राजेश जी उस हालात में है कि इनके सामने सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी 37 गेंदों में 100 मार चुके हैं बेचारे, अगले बॉलर ये हैं तो ये संभाल नहीं सकते क्योंकि हालात खराब है इनके। लेकिन सत्य ये है कि जिस तरीके का इस देश में प्रोपेगेंडा इस जनता के सामने चलाया जा रहा था, जिस तरीके से कोर्ट को गलत बताया जा रहा था, जिस तरीके से अप्रूवर को गलत बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि विजय नायर ने ये किया वो किया ऐसे है वैसे है, उस पर जज ने साफ कहा कि इस देश में सरकारी गवाह पर सवाल उठाना, मतलब ईडी पर नहीं कोर्ट पर सवाल उठाना है, और अरविंद केजरीवाल अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हैं कि संविधान और कोर्ट पर सवाल उठाना शुरू कर दें, तो ये तो बात साफ है। और अब सेंटिमेंट्स के विषय पर आते हैं। मैं मानता हूं कि इस देश में कहीं ना कहीं जनता करप्शन पर अब वार करती है, कहीं ना कहीं करप्शन के बाद लोगों के हालात खराब होते हैं और आम आदमी पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा। फोटो लेकर आए हैं घनश्याम तिवारी जी, एक फोटो दिखा रहे हैं नेताओं के। भाई 2024 के बाद कोई ना कोई काम तो विपक्षी करेंगे, इन्होंने फोटोग्राफर बनने का काम चूज कर लिया, मैं खुश हूं इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जगह भी है फोटोग्राफर में, देखिए आपके नेता हैं और मंगूठा रेडी है। यहां पर करीब 150 लोग, एक सेकंड शिवम, 150 लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 70 साल के इतिहास में जितना चंदा नहीं कमाया, 13,000 करोड़ रुपए चंदा उन्होंने पिछले 10 साल में कमाया। यहाँ पर एक आदमी खड़े होकर बोल दे, एक आदमी खड़े होकर बोल दे उस 13,000 करोड़, बीच में टोकिए, ये बायस दिखाई देता है, बीच में टोकिए, 13,000 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल में चंदा मिला है। एक सवाल मेरा, विपक्षियों को कितना मिला है क्या चंदा दो धंधा दो की मुझे बोलना पड़ेगा ना, आपके बीच बचाना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बचाना चाहती, मैं बिल्कुल नहीं बचाना चाहती। जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी ऐसे ही काउंटर सवाल मैं उनसे भी पूछूंगी। आपके फोटोग्राफ पर मैंने सवाल पूछा, आप नहीं बताएंगे मुझे तिवारी जी कि मुझे कब कैसे किसको टोकना है? चर्चा खराब करने जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ का चंदा मिला, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में सत्ता में है, 303 सांसद हैं, उनको 13,000 करोड़ चंदा मिला, ये लोग सिर्फ 244 सांसद हैं, इनको 14,000 करोड़ सांसद चंदा मिला, गलत कौन है? झूठ है, कौन है बताइए, कौन है? ये झूठ है, 14,000 करोड़ है, 244 है। अभी तो ये बीच में नहीं बोल रहे थे, आप देख रहे हैं अभी ये कह रहे थे कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा, किसी के बोलने नहीं बोलूंगा, बीच में लगातार बोल रहे हैं। विषय साफ है, देखिए इनका परेशान होना, इनका फ्रस्ट्रेट होना, इनका चुनाव में रोजाना हर सुबह टिकट बदलना, ये सब नेचुरल है। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आंधी चल रही है और अब की बार 400 पार होने वाला है, ये इसी तरीके से आने वाले समय में कोर्ट को भी कहेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी कहेंगे, इसी तरीके से मीडिया को भी कहेंगे। और आप यकीन मान लीजिए अगर 3-4 सवाल आपने इनसे थोड़े से मुश्किल पूछ दिए ना तो ये आपसे भी लड़ सकते हैं। अच्छा चलिए इन्हीं के सवाल ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि चंदा लेती है भारतीय जनता पार्टी और उसका इस केस से सीधा लेना देना। खड़े हो जाइए मैडम, आपको लग रहा है कि चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरा केस ऐसा खुलवा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई चंदा लेती, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, कितनी योजनाएं हैं, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट ही किया है। मैं वैसे ही इससे अलग एक क्वेश्चन करना चाह रही हूं कि सुनीता जी ने एक व्हाट्सएप नंबर अभी हाल ही में शेयर किया था कि अरविंद केजरीवाल जी का शरीर सिर्फ जेल में है, उनकी आत्मा बाहर है, तो उनको ब्लेस करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, सभी मम्मियां दीदियां चाचियां भाभी ब्लेस करो एक नंबर, क्या वो ब्लेसिंग काम नहीं आई? बताइए राजेश गुप्ता जी। देखिए ये बड़ा ही अफसोसजनक है, जिस तरीके का सवाल पूछा गया, मैं आपको लिख के देता हूं, आम जनता कभी नहीं पूछेगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आम जनता, अब आप देखिए, आप मुझे रुक, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता, अब जनता मत, बस जनता पर सवाल मत उठाइए, हमें आप मुझे बोलने दीजिए, आपका शिवम बोलिए। देखिए
आप सवाल पूछने का अधिकार रखती है तो मैं जवाब देने का रखता हूँ, बोलता हूँ, आप बीच में नहीं रोकिएगा। आपका सवाल पॉइंट है, मैं रुक जाऊंगा। इन पर प्लीज सवाल मत उठाइए। मैंने आपसे कहा ना, आप मत बताइए ना, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे जवाब देने दीजिए। आप टाइम खराब मत कीजिए ना, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप टाइम खराब कर रहे हैं। जो मुझे लगता है मुझे वो बोलने दीजिए, मेरा अधिकार है ये। आपके अधिकार कोई नहीं छीन रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का मजाक हो रहा है, हूटिंग हो रही है, क्या मजाक चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है? अब आप सुनिए शिवम, मैं भी ये कर सकता हूँ, ताली बजाने के डायलॉग बहुत सारे आते हैं, तो बजाइए आप भी। मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो आप भी बजा दीजिए, कोई परेशानी नहीं। तुम्हारे अच्छे बोलने का, तुम्हारे अच्छे बोलने का छोड़ो, तुम्हारे अच्छे बोलने का छोड़ो, ये तुम्हारे अच्छे बोलने का ड्रामा छोड़ो, बात करो। देखिए आप इस बात को समझ लीजिए, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को सबसे पहले उन्होंने पकड़ा है, उसी सबसे मेन जिसे वो अप्रूवर कहते हैं, उसी को बीजेपी खुद बार बार कह रही थी कि साउथ का किंग पिन है, कहा शराब घोटे का किंग पिन है, उसी से 5 करोड़ रुपए लिए। 8 बार उस आदमी ने बार बार मना करा, अरविंद केजरीवाल जी का कोई लेना देना नहीं इस केस से, शरद रेड्डी ने कहा बार बार, तब तक बयान बार बार लेते रहे। 9वीं बार जैसे उसने हामी भर ली, हामी भरने के बाद में उससे 5 करोड़ चंदा लिया, उसके बाद में उसने बेल लगाई, ईडी ने उस बेल का विरोध नहीं करा, बाहर आ जाता है वो आदमी और 55 करोड़ रुपए बीजेपी को देता है, उसको बीजेपी अप्रूवर बनाती है। और उसके बारे में ये कहना कि किसी को अगर जनता को नहीं बताओगे, जनता को नहीं पता होता बहुत सारी चीजें, आप बताओगे जनता को गाली, एंकर को गाली, सबको गाली। देखिए चर्चा खराब हो गई, बाकी में नाराज हो रहा है। बंगारू लक्ष्मण पार्टी के नेता जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को टीवी पर पैसे लेते पकड़ा गया, उनकी ये बताइए। बीच में एंकर क्वेश्चन करता है तो आप 22 बता देते हैं, लेकिन सवाल तो आएगा और सवाल पूछती रहूंगी चाहे कितने भी आरोप लगाइए। ये सारी दलील कोर्ट में रखना भूल गए थे। अब मैं जवाब दूं? हाँ दीजिए ना। आप बीच में बोल रही हैं, बोल रही हैं। सवाल पूछने का एक टाइम होता है, आपने पूछा मैं चुप रहा हूँ। हाँ, फ्लो को क्यों तोड़ते हैं आप? मुझे बोलने दीजिए। आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना, मेरे को सवाल आएगा मैं आपसे पूछूंगी। किसके हिसाब से चलेगा उसका नाम बता दो अभी। ये मेरा तरीका है। किसके हिसाब से चल रहा है उसका नाम बता दो यहाँ पर अभी। अपने हिसाब से चलाऊंगी राजेश गुप्ता जी। बोलने दो भी। आप लड़ने के लिहाज से आए हैं। आप कोर्ट में आप ताली बजवाना चाहते हो 50 को बुला के, मैं अपनी सुनिए काम करते हैं, एक काम करते हैं, उसे यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होगा ना, एक काम करते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल काम करते हैं, न्यूट्रल ही कर रहे हैं। आप अपना माइक और टीवी लेके जनता के बीच में चलो, ये जनता है, सुनिए सुनिए मेरी बात, ये जनता है। अरे आपने बात करी, मुझे कहने दो ना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। अब ये शिवम, अगर देखो फिर दिक्कत होगी, फिर दिक्कत होगी, देख ध्यान रखना, रुक जाइए, प्लीज मत परेशान करिए। मैं भी 2 बार का विधायक हूं, मैं अपनी विधानसभा में आपको लेके चलता हूँ, जनता है ना, जनता है ना, वो भी आम जनता जो वोट देती है, जो मेरे साथ में है, आपके साथ आप में किसी नहीं देते क्या? आप चलिए, जोर से बोलिए, आप चलिए, ये जो अब देखो ऐसे मत करो, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, चलिए। हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। यहाँ पर आम जनता आती है नहीं आती, इस बात पे बात नहीं करती, लेकिन मेरे एक ही बात कहना है, मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो आप लोग बैठे, आप किसी ना किसी पार्टी को पसंद करते होंगे, किसी को भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सीरियस होकर इन बातों को सुनाएंगे, ठीक है? कोर्ट के अपने फैसले आए, मैं उसका सम्मान करता हूँ, आप भी कीजिए, हो सकता है मेरे पक्ष में आया, मैंने पहले से आके कह दिया, मैं फिर भी सम्मान करूंगा। आप भी मजाक करें, एंटरटेनमेंट नहीं है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, एंटरटेनमेंट नहीं। आप लोगों से रिक्वेस्ट, उन्होंने जो कहा वो एक्चुअली इनकरेक्ट है। नहीं, मैंने जनता से रिक्वेस्ट कर लिया, जनता जो करेगी कर लेगी, मैंने जनता से रिक्वेस्ट करी है। मेरा नाम कृष्ण कुमार महेश्वरी है। पहला प्रश्न है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, ये अधिकार से शुरू करते हैं, जबकि जो है वो जनता की सेवा के लिए कर्तव्य के कर्तव्य से शुरू होना चाहिए। अधिकार से अधिकार में फिर सब कर्तव्य किनारे रख कर के पावर में आ जाने के बाद फिर वही सब जो है वही चाल जो पुरानी चाल है वो चलती आएगी। अच्छा, नैतिकता पर आपका सवाल है, और किसी का सवाल है, कोई सवाल करना चाह रहे हैं? हाँ। नमस्कार सर, मेरा नाम रुपेश भारद्वाज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल के बारे में यही फैसला दे दिया तब आप क्या करोगे? और दूसरी बात, देश संविधान और कानून से चलता है, ना कि लोकप्रियता से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से भी यही फैसला आया तो क्या होगा? और किसी का सवाल है, कोई सवाल करना चाह रहे? हाँ, खड़े हो जाइए। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी को कि मैं एक बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू देख रहा था पॉलिटिकल एडवाइज़र
प्रशांत किशोर का, उन्होंने कहा कि अभी तक जब 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 पार्टी रूलिंग रूल करती है तो वो ईडी और उनको सीबीआई को अपने फेवर में यूज़ करते हैं अगले के लिए, तो आप घबराइए मत, आप कोर्ट पे विश्वास रखिए अगर आपने कुछ नहीं किया है और अपना कैरेक्टर साफ। अच्छा घबराना क्यों तहसीन पूनावाला जी, घबराना क्यों, ईडी सीबीआई तो काम करेगी ना अपना, करने दीजिए। थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे मौका मिला, सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वाकई ये जनता ये सब जानती है, वहाँ पे वो मेरी बहन ने कहा, यहाँ पर मेरे भाई ने कहा कि हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। संविधान के पहले चार शब्द है हम भारत के लोग, नो इफ नो बट। वही संविधान कहता है आप अपने आप दोषी, आप गुने आप दोषी नहीं हो जब तक स्टेट आपको दोषी प्रूव नहीं करता, ये संविधान कहता है। यानी आप में से कोई भी दोषी नहीं जब तक स्टेट अपने आप को प्रूव नहीं करता है। इसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर फाइनेंस बिल के तहत ईडी के प्रावधानों को चेंज किया गया। ईडी के प्रावधानों को फाइनेंस बिल के तहत चेंज करने का मतलब है ये बिल राज्यसभा में नहीं गया, सरकार के पास बहुमत है, मोदी जी के पास लोकसभा में बहुमत है, और इसके प्रावधान अब ऐसे बने कि आप मेरे भाई या आप सर दोषी हो गए अगर मैं ईडी और आपको अरेस्ट कर दूं और अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा, लेकिन बेल के मामले में आप फैक्ट्स ऑफ द केस में नहीं जाते, चाहे टीवी शो पे मेरे भाई कुछ भी कह दे, फैक्ट्स में नहीं जाती कोर्ट। तो आप तब तक दोषी होगे जब तक खुद को आप बेगुनाह साबित नहीं करोगे, और आप बेगुनाह साबित ही नहीं कर सकते जब तक आप फैक्ट्स ऑफ द केस में ले जाओगे। ईडी के करीबन सर प्लीज, ईडी के करीबन 12,000 केस रजिस्टर्ड है, मोटा मोटा मैं राउंड फिगर में बात करता हूं, आप सब बहुत ही होशियार हो, आपके पास इंटरनेट है। 12,000 केस में लगभग 14 केस में बेल मिले, बाकी केस में बेल नहीं मिलते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देती, हाई कोर्ट भी। लेकिन मेरे दोस्त डीके शिव कुमार, मेरी दोस्त प्राची कह रही थी आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं, उसको भी विश्वास था, 3 बार सुप्रीम कोर्ट गए, 2 बार हाई कोर्ट गए, अल्टीमेटली कोर्ट में केस क्वॉश हुआ। बिल्कुल सही प्राची आपने कहा, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, कोर्ट में केस क्वॉश हुआ, लेकिन 1 साल वो जेल में थे। मेरे दोस्त संजय राउत 6 महीने जेल में थे, कोर्ट में केस क्वॉश हुआ। द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आप में से कोई भी सोच लीजिए, ये शो अगर सरकार को पसंद नहीं आता, वर्तमान सरकार को, ईडी के प्रावधानों के अंदर कॉपीराइट भी है, वो मुझे और प्राची को जेल में डाल सकते हैं, और 6 महीने हमें जेल में रहना पड़ेगा जब तक हम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करेंगे। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है इसके अंदर, ये दिक्कत है इसके अंदर। मैं एक और लास्ट मेरे पास केस अगर आप पूछने वाला जी, देखिए जो टोटल केस है 5906 केस है, टोटल 12000 है, 5906 केस है पीएमएलए के तहत, जो टोटल केस है पीएमएलए एक्ट के तहत। अब इसमें से 2.98 यानी कि तकरीबन 3% ही ऐसे केस हैं जो नेताओं पर चलते हैं जी। अब इसे आप कहते नहीं, सिर्फ तो नेताओं पर कार्रवाई करती है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू प्राची, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। करेक्ट कहा प्राची ने, 2.98% सिर्फ नेताओं पर चढ़ा है, लेकिन इनके पास एक फोटो है, अगर आप प्लीज दिखा दो, छगन भुजबल साहब की, देवेंद्र फडणवीस बताते थे ना, आप बता दो, देवेंद्र फडणवीस कहते थे एबीसी ऑफ करप्शन, सी में छगन भुजबल साहब थे। छगन भुजबल साहब का आपको फोटो दिखा दो, छगन सर प्लीज, सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, छगन भुजबल साहब पे ईडी प्रोफेशनल एजेंसी है ना, प्रोफेशनल एजेंसी कोर्ट में जाके कहती है, जैसे छगन भुजबल इस साइड से सचिन तेंदुलकर वाली टीम में आ गए, कि भाई फाइल घूम गई, फाइल घूम गई, छगन भुजबल को क्लीन चिट। अच्छा, अशोक चव्हाण को चक्की पिसाने वाले थे, अजीत पवार को चक्की पिसाने वाले थे, फाइल घूम गई। इन्होंने कर्नाटक में, प्राची जी 10 सेकंड, कर्नाटक में इन्होंने रेड किया, सुनिए ना, कर्नाटक में रेड किया, सुन लीजिए आप हैरान होगे बात सुनकर, 9 करोड़ इनके विधायक के पास मिला, 9 करोड़ वहां, 9 करोड़ पहले 5 और 4 बरामद होते हैं, 9 करोड़ में जाके कोर्ट में कहती है माफी दे चाहते, हमने तो बिना बताए रेड कर दिया, इसलिए हो गया। ये है लास्ट नवरात्र का समय, लास्ट ये है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, इनपे व्हाइट पेपर भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, लुई बर्जेस स्कैम में इनको अक्यूज बनाया, केस बंद नहीं किया, मुख्यमंत्री अक्यूज से अप्रूवल बन गए, और ये सारे नाम की जवाब इनसे आज लेकर रहूंगी। अरविंद वाजपेयी जी, ये जितनी भी जांचें हैं आपके यहाँ जब नेता आते हैं तो बंद क्यों हो जाती हैं? देखिए, किसी भी क्राइम को अनफोल्ड करने के लिए एजेंसियां काम करती हैं, और एजेंसियां सही काम कर रही हैं उसके लिए कोर्ट बैठा हुआ उनका हर स्टेप हर मोमेंट चेक करता है। ये भ्रष्टाचार का केस है, पहली बार इस देश में मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि जनता की गाड़ी कमाई की जो लूट करेगा उसको जेल जाना पड़े, और उसी के चलते अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सतेंद्र जैन जेल में, और कोर्ट पे कोर्ट जाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक होके आ गए मनीष सिसोदिया 14 बार, सतेंद्र जैन भी होके आ गए, वहाँ से भी बेल रिजेक्ट हो गई। जब बेल नहीं मिलती है और जेल में ही आपको सालों साल रहना पड़ता है, तो आप ये मान के चलिए कि इसके खिलाफ पुख्ता गवाही एविडेंस हैं, जिससे कि उनको सजा भी होगी कल को।
अब भ्रष्टाचार की लड़ाई को आप राजनीतिक लड़ाई में अगर बदलना चाहते हो तो जनता तो नहीं मानने जा रही है इसको। कानूनी लड़ाई अलग है और जनता पॉलिटिकल लड़ाई अलग है, आप दोनों को मिक्स करना चाह रहे हो। हाई कोर्ट ने आज डिसमिस कर दिया आपकी अरेस्ट, आपने चैलेंज किया था कि ईडी ने जो कार्रवाई शुरू की है या ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो नाजायज है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं बिल्कुल सही है, आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है, अरेस्ट से पहले आपको बुलाया गया, 10 बार आपको सम्मन भेजे गए, आप आते नहीं, कानून को मानते नहीं है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आम आदमी हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सबके लिए कानून बराबर है। 18 पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी किस बात के लिए कि सर सीबीआई और ईडी मिसयूज हो रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन करके हमको जेल में जालना चलते हैं, कृपया करके इन्वेस्टिगेशन हो या जो भी पूछताछ हो वो हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फेक की पिटीशन मारी, क्या बातें करे जा रहे हैं ये पॉलिटिकल आपने... और कानूनी इसलिए सवाल उठते हैं अरविंद जी। एक फोटो बार बार तिवारी जी दिखाते हैं, राघव मंगुटा रेड्डी के जो पिता हैं उनको लेकर सवाल उठते हैं, बहुत बढ़िया टीडीपी से चुनावी मैदान में क्यों उतर गए। आप सब समझदार लोग बैठे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल एक छपा था जिसमें 25 नेताओं के नाम दिए गए थे और उसमें यह भी लिखा गया था किसके खिलाफ क्लोजर फाइल हुई, किसके खिलाफ चार्जशीट है, किसके खिलाफ क्लोजर नहीं फाइल हुई। क्लोजर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन में चलते चलते अगर किसी के खिलाफ गवाही नहीं मिलती है सफिशिएंट तो उसको क्लोजर रिपोर्ट पुलिस को या एजेंसी को फाइल करने का अधिकार है और उसको जज साहब परमिशन देंगे, चेक करेंगे मटेरियल कि भाई ये क्लोजर ठीक है, कहीं पैसे लेके तो नहीं क्लोजर हो रही, तब कोर्ट परमिशन देता है, तब केस बंद होता है। आज तक जितने नाम है किसी के केस में अभी तक कोर्ट की परमिशन नहीं मिली है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, हाँ। चार्जशीट फाइल की गई है, इसलिए देश को गुमराह मत करिए। उतनी तेजी नहीं नजर आती ना जितनी विपक्ष के नेताओं पर नजर आती है। नहीं, हम तो हर रोज खबर पढ़ते हैं। आज भी हाईकोर्ट ने क्या बोला, हाईकोर्ट ने क्या बोला, दिल्ली पहुंच गए, हाईकोर्ट ने यही बोला है कोई किसी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो कोई चार्जशीट हो जारी रहेगी, कोई भेदभाव नहीं होता उसमें। बहुत छोटा सा काउंटर तहसीन करेगा फिर शिवम आ रही है उसके पास, फिर कई सवाल भी है। हाँ बोलिए तहसीन जी। सर ने बिल्कुल सही बात कहा, सर ने बिल्कुल सही बात कहा, इस पे गौर फरमाइए, कोई भी केस बंद नहीं हुआ। कल अगर हेमंता बिस्वा शर्मा जी यहां आने चाहे ये केस चालू हो जाएगा, हेमंता बिस्वा जी वापस अपरोड से अक्यूज बन जाएंगे और जेल के अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल बंद नहीं हुआ, तलवार लटकी रहेगी, ये तलवार इस्तेमाल होता है ईडी सीबीआई का। बिल्कुल मैम, ईडी सीबीआई बिल्कुल सरकारी दबाव में काम करती है, ये तो पहले से सबको पता, सारी जनता जानती है, क्योंकि इनकी नियुक्ति सरकार के पास है, जिनको चाहते हैं उनको बैठाते हैं पदों पे। यानी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल करती है, इस्तेमाल करती है। जब इस सवाल को जरा नोट करके रखिएगा आप जनता के लिए, मैं आ रही हूँ राजेश जी, एक दो सवाल और ले लूं। हाँ जी बताइए, खड़े हो जाइए। तहसीन पूनावाला जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको याद है जी सर, तो मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन जी सर और मायावती, अगर ये ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल होता था तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार बचाने के लिए मुलायम सिंह का साथ दिया था यूपीए 2 में, तो क्या अगर उस समय सीबीआई और दबाव में काम कर रही थी और ईडी अगर उस समय गलत नहीं थी तो अभी गलत क्यों है? दो सवाल हैं, एक सवाल तहसीन आपसे, एक सवाल शिवम से, एक सेकंड और बहुत सारे सवाल हैं, पहले मैं सवाल ले लूं। हां जी नमस्कार सर, मेरा सवाल आप सभी से है। इंटरनेशनली केजरीवाल साहब पे लगातार बातें हो रही है, विपक्ष भी ये साबित करने में लगा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो क्या आप सभी को ये नहीं लगता कि ये सब करने से इंडिया के रेपुटेशन से खिलवाड़ किया जा रहा है? आपको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है? मुझे इसका अंदाजा नहीं है, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया की रेपुटेशन खराब की जा रही है ये सब करके। इंडिया की रेपुटेशन खराब हो रही है, और किसी का सवाल? हाँ खड़े हो जाइए। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि जब अजीत पवार जब विपक्ष में थे तो ये कहते थे कि ये भ्रष्टाचार हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी के लिए वो विधायक तोड़ के लाए, डिप्टी सीएम बना दिया। आम आदमी पार्टी भी अगर कुछ एमपी तोड़ के अगर बीजेपी में शामिल होगी तो उनको भी एक आधे ये कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। अब शिवम त्यागी जी इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, एक कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई सरकार के दबाव में काम करती है और एक ऑपरेशन लोटस वाली बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले तहसीन भाई ने कहा कि ये आपको बेल मिलना असंभव है पीएमएलए में, सबसे पहले मैं बस बड़े ससम्मान कहना चाहता हूं भैया ये बेल का विषय ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल बेल के लिए नहीं गए थे, उनका कहना था कि उनका जो अरेस्ट है वो इलीगल है, उसमें एक लास्ट का पैरा कोर्ट ने जो लिखा है उसको पढ़ देता हूं। कोर्ट, दिस द कोर्ट होल्ड्स द ईडी वाज एबल टू प्लेस इनफ मटेरियल स्टेटमेंट्स ऑफ अप्रूवर्स एंड देयर ओन कैंडिडेट्स स्टेटिंग दैट ही वाज गिवन मनी फॉर गोवा इलेक्शंस, इट कंप्लीट्स द चेन रिगार्डिंग द मनी सेंट फॉर गोवा इलेक्शंस। मींस
कोर्ट को वो काफी सबूत मिले हैं जहां पर मनी चेन स्टैब्लिश हुई है और जो पैसा रिश्वत में आया है वो गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है, पीरियड। इस वजह से उनका जो अरेस्ट है वो पूरे तरीके से लीगल है, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर वाला विषय नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, एक जो विषय बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में आते तो चेंजेस हल्के हो जाते, केसेस थोड़े कमजोर हो जाते, नहीं भाई, कांग्रेस वाले जन्मजात ही भ्रष्टाचारी है। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, जब ये सरकार में थे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, मानते हैं, इस हिसाब से तो उनके ऊपर केसेस नहीं होने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 42 पीआईएल फाइल करी, जिन 42 पीआईएल में से 35 एफआईआर हुई, 35 एफआईआर कांग्रेस वालों को अपनी ही सरकार के खिलाफ करनी पड़ी मजबूरन, क्योंकि घोटाले सामने थे। आज अगर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति घोटाले में है या इनके पास प्रूफ है, आप पीआईएल फाइल किए, आपका स्वागत है। आपको लगता था छगन भुजबल, आपको लगता था प्रफुल्ल पटेल, अब वो सब आपकी तरफ। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि इस देश में अंततः कोर्ट पर ही निर्णय जाता है। बहुत सारे केसेस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी लगता था, आडवाणी जी पर नहीं लगता था क्या इनको? इन्होंने तमाम जगह पर चीजें हुई, उस हवाला वाले केस में उन पर जो है हंगामा हुआ, बावजूद उसके वो क्लीन होकर निकले, जो क्लीन होकर निकले वो निकल जाए। लेकिन कोर्ट पर सवाल उठाना सबसे आसान काम है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं। अधिकार मिला है ना, वो सहमत नहीं है तो वो जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं एक चीज बताइए, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को ट्रायल नहीं हुआ क्या? क्या इस देश के गृहमंत्री को ट्रायल नहीं हुआ क्या? इस देश के प्रधानमंत्री को 10-10 घंटे जब इन्वेस्टिगेट किया, हमने तो आकर हंगामा नहीं किया, हमने तो सड़कों पर आकर नहीं कहा कि भैया हमें बेल नहीं मिल रही है, हमारे लिए विंडिकेशन हो रहा है, पॉलिटिकल विंडिकेशन हो रहा है। आदरणीय गृहमंत्री जी जब जेल में थे, उन्होंने तो आकर नहीं कहा कि मुझे कानून पर भरोसा नहीं है, ये ईडी बेकार है, ये सीबीआई बेकार है। हम सिर्फ एक चीज कहते हैं, अगर आप ईमानदार हो गए तो बचकर निकलो। देखिए, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा क्योंकि तहसीन बोलेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, दोनों काबिल प्रवक्ता है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो हमारी बहन ने पूछा कि क्या देश का इससे नाम खराब होता है, ये एक तस्वीर है, मैं बहन आपको दिखाना चाहता हूं, ये साक्षी मलिक की तस्वीर है, देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता था, और बगल में मोदी जी का परिवार स्वयं को घोषित करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीर है। अपने दिल पे हाथ रख के आप लोग बोलिए कि इससे देश का नाम खराब हुआ कि नहीं हुआ। इस आदमी ने बोला कि सिर्फ मोदी जी और अमित शाह कहेंगे तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, क्या इसमें देश के न्यायालय का नाम खराब हुआ कि नहीं हुआ? क्या देश की सरकार का नाम खराब हुआ कि नहीं हुआ? क्या दिल्ली पुलिस का नाम, ये दिल्ली पुलिस से पीटी जा रही है, क्या आप लोगों ने टीवी पर देखा कि नहीं देखा? तो जब आप न्यायालय का सम्मान करने की बात करते हैं और मोदी जी का सम्मान करने की बात करते हैं, इस तस्वीर को याद करिए, ये आपकी बहन और बेटी भी हो सकती है। और एक आखिरी जो झूठ कहा गया, इन्होंने कहा विपक्षी दलों ने 14,000 करोड़, ये सरासर झूठ है, कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है। लेकिन यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी को 70 साल में जितना चंदा नहीं मिला, महज 10 साल में उन्हें 13,000 करोड़ चंदा मिला, और आप में से कोई नहीं बता पाएगा कि उसमें से एक भी ईमानदार कंपनी ने चंदा मिला। पहले उस बच्ची ने पूछा कि भाई इससे अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से देश की इज्जत जो है खराब होती है। चोर चोरी करने से डर नहीं रहा, उससे इज्जत खराब नहीं होती, एजेंसी अगर कार्रवाई कर देते हैं उससे इज्जत खराब हो रही है, कमाल बात हो गया, बिल्कुल नहीं हो रही जी, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और सुनिए, ये देश में बिल्कुल कोई नया नहीं है, इसी देश में श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव के धांधली के विषय में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था एक बार। तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हो या फिर इसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अगर गलत काम कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। अच्छा, विदेश में चार सवाल खड़े किए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। बड़ी बात कही राजेश गुप्ता जी, चाह रही हूं उस पर आप जवाब दें, उसके बाद बाकी लोगों के सवाल लूंगी। आज कोर्ट ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया कि इस गिरफ्तारी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसकी टाइमिंग पर हम सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो जो आप, अच्छा शिवम बीच में नहीं, भाई चले जाएं, बोले बोले राजेश जी, तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा विपक्ष खत्म हो जाए, तुम इसको रशिया बनाना चाहते हो कि पूरे विपक्ष को खत्म कर दो, फिर कह दो नहीं तो बीच में मत बोलो, नहीं बोलोगे हम तुम्हारे बीच में नहीं बोल रहे, कंट्रोल करो यार, कंट्रोल करो। नहीं नहीं, हां बोले, 90% लोगों के वोट रशिया में मिल गए, अब पुतिन जी लगातार राष्ट्रपति बने चले जाए, आप इंडिया में चाहते हो, आप इसे नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो, तो ये बनेगा नहीं, हिंदुस्तान है, यहाँ का संविधान इतना अच्छा है कि लोग इतने अच्छे तो वो उठा के फेंक देंगे बाहर। देखो, ईडी 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 बात होती है, आधी बातें बताते हैं। अभी देश के सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी एक हफ्ते पहले खड़े होकर कहा है कि बहुत सारी बातें हम कोर्ट में नहीं कह सकते, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि निचली अदालतें जमानत देने से डर रही हैं, ये सीजीआई ने कहा है, मैंने नहीं कहा। उसी सीजीआई ने आज से एक साल पहले ईडी के डायरेक्टर के मामले में कहा कि क्या आपके पास में कोई और अधिकारी है कि मिश्रा जी को आप लगातार, पहले 2 साल का एक्सटेंशन दिया, फिर 1 साल का एक्सटेंशन दिया, फिर 1 साल का एक्सटेंशन दिया, कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास कोई आदमी नहीं है। ऐसे ही एसबीआई में करा, स्विस बैंक ऑफ इंडिया,
काला धन लाने की बात करते थे, काला धन एसबीआई में ही हो गया, वही काला धन कहते हैं कि कोर्ट के बाद बताएंगे किस किसने बॉन्ड खरीदे। कोर्ट ने कहा एक दिन में बताओ, अभी क्या भी बताओ, बताया एक दिन में तब नहीं बता रहे थे। उनके डायरेक्टर एमडी दोनों का एक्सटेंशन, इन्होंने एक नेक्सस बनाया हुआ है, जो लोग इनके साथ चलेंगे उनको साथ रखेंगे, उनसे काम कराए जाएंगे। रुक जाइए, कोर्ट जो जवाब देता है, कोर्ट जवाब देता है किस हिसाब से, या तो कानून के हिसाब से बेल देगा, पीएमएलए एक्ट की वजह से नहीं दे पा रहा, जो इन्होंने बता दिया था पूनावाला जी ने कि पीएमएलए एक्ट के अंदर आपको बताना है कि आप निर्दोष है। अरे भैया रुक जाओ यार, अरे शुभम क्या बात हो गई, ज्यादा बहुत मीठा पी लिया, ज्यादा बहुत मीठा पी लिया क्या? रुक जाओ राजेश जी, पहले अच्छा एक मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ उस पर आ जाऊँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात देखिए, ये अपने फ्लो तोड़ते हैं, ये ठीक बात नहीं, दो मिनट रुक जाइए। दूसरी बात, आप फ्लो टूट ही गया तो मेरा सवाल रह गया था, ले लो ले लो ले लो ले लो, राजेश जी अब कोर्ट ने कह दिया कि टाइमिंग पर आप सवाल नहीं उठा सकते, ये ईडी का अपना अधिकार है कि वो कैसे कार्रवाई करेगी। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कोर्ट बताएगा कोर्ट किसके हिसाब से, जो कानून बने हुए हैं उसके बाहर नहीं जा सकता कोर्ट। जजमा बैठे होते हैं संविधान को लेके, संविधान को अगर आप बदलोगे, जो पीएमएल एक्ट में उन्होंने बदल दिया, सरकार ने बदल दिया कि उनके हाथ में अधिकार है, कहा ना पुलिस के हाथ में, वाजपेयी जी तो हमारे कोर्ट के कोर्ट में है और जाने माने वकील है, उन्होंने क्या कहा, आईओ के हाथ में, पुलिस के हाथ में, ईडी के हाथ में अधिकार होता है कि फाइल को बंद कर दे। मैं यही कह रहा हूं, आईओ अगर लिख के दे जज के पास में चीज होंगी, उन्हीं को तो पढ़ेंगे, जज जाके थोड़ी देखेंगे किसने क्या कर लिया है। सुनिए एक बार एग्जांपल, सुनिए मैंने अभी कहा, आठ बार लगातार सेम गवाह कह रहा है कि कोई नाम नहीं है, कोई नाम ही अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है, बार बार उसकी स्टेटमेंट ली जा रही है, और उसके आठों पार के जो इतने सारे कागज है ना 50,000 उठा के फेंक दिए, कह के अनरिलायबल डॉक्यूमेंट, नौवीं बार उससे नाम हामी भरवा ली, और उसके बाद उसको कह दिया कि ये रिलायबल डॉक्यूमेंट है। उसी के अंदर आप यही बात बोलते हैं, लेकिन कोर्ट में आपकी दलील साबित क्यों नहीं हो पा रही? अरे कमाल, मैंने सब कुछ बता दिया, आपको क्या बात समझ में नहीं आई इसमें? चंदन रेड्डी की, चंदन रेड्डी की याचिका, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, संजय सिंह जी का, अच्छा लगे ना लगे मैं फैसले का सम्मान करता हूँ। भाई साहब ने एक बात पूछी, उन्होंने कहा कि संजय सिंह के फैसले में क्यों दिया, संजय सिंह के फैसले में ईडी जमानत के लिए नहीं मान रही थी, बार बार एजी राजू ने कहा कि नहीं इनको अंदर रखना है, जब खन्ना जस्टिस खन्ना अड़े रहे कि आप या तो अभी बताइए नहीं तो हम इनको बेल दे देंगे, सेक्शन 45 यूज करेंगे, सेक्शन 45 यूज हो जाता तो उसका मतलब सीधा ही हो जाता है कि इनके प्राइमा फेसी कुछ इनके खिलाफ है ही नहीं, इसलिए जमानत देनी पड़ गई, मान नहीं रहते एजी राजू। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए सर प्लीज, मैं पढ़वा दूंगा आपको, मैं पढ़वा करने नहीं आए, हां बोलिए मैं पढ़वा दूंगा आपको, चिंता नहीं। अच्छा सवाल ले लेती हूं राजेश। नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा चौहान है और मेरा सवाल ये है कि किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल सभी से ही है और स्पेशली उनसे है कि जो इंडिया अलायंस है, जितने भी लोग हैं, सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके जितने मंत्री हैं सबको ईडी के जो है समन भेजे जा रहे हैं और इनके मंत्री धीरे धीरे सारे जेल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या इससे चुनाव में इनको थोड़ा डर बढ़ रहा है, चुनौती है क्या है? अच्छा देखिए ये सवाल तो है ईडी से और इससे कौन डर रहा है, कौन किसी और का सवाल है? हाँ जी आगे आ जाइए थोड़ा। मैं मेरा नाम प्रदीप, अच्छा सवाल सुन लेते हैं, जोर से बोलो। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जो मणिपुर में एक साल से दंगा हो रहा है और वहां पर हमारी बहनों को निवस्त्र घुमाया जा रहा है, क्या उससे देश की रिपुटेशन खराब हो रही है नहीं हो रही है? ठीक है मणिपुर पर सवाल है, आगे आ जाइए थोड़ा सा। मणिपुर पर सवाल है शिवम जी आपसे और राजेश गुप्ता जी से डर को लेकर सवाल है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंश है और मैं आप ओपोजिशन से पूछना चाहता हूं कि कभी भी ऐसी कोई चीज होती है तो डायरेक्टली मोदी जी के ऊपर टारगेट किया जाता है, बीजेपी पार्टी एज अ होल काम करती है, उसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं। अच्छा सुन लेते हैं पहले सवाल सुन लेते हैं, आपस में मत लड़िए प्लीज, लड़ने के लिए नेता काफी है, रुक जाइए। तो मेरा सवाल ये है कि हमेशा जब भी ओपोजिशन के साथ में कभी भी कुछ होता है तो डायरेक्टली मोदी जी को ही क्यों टारगेट किया जाता है, क्योंकि बीजेपी पार्टी के अंदर एमपीज हैं, एमएलएज हैं, जो ग्रुप ऑफ बॉडी है जो वर्क कर रही है, लेकिन डायरेक्टली हमेशा उन पे टारगेट किया जाता है कि सारी चीजें वही कर रहे हैं। तो अच्छा मोदी जी को क्यों टारगेट किया जाता है? शिवम पहले मणिपुर पर जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर राजेश जी आप जवाब दीजिएगा। मणिपुर पर इस देश के गृह मंत्री ने अप्रोक्सीमेटली संसद में खड़े होकर 2 घंटा 22 मिनट लगातार बोले, एक एक चीज को एड्रेस किया, एक एक दिक्कत को एड्रेस किया, एक एक बात को एड्रेस किया, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री आए लगातार बोले। अगर ये मणिपुर पर इतने सीरियस होते तो मेरे देश के प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू किया अपने आप ही बायकॉट करके भाग गए, संसद ही छोड़कर भाग गए। हम हर चीज को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ मणिपुर पर बोलने वालों को संदेश खाली पर भी बोलना चाहिए, जहां पर 12-12 साल से महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को उठा लिया जाता है, अगर कोई महिला शादी कर आती है तो वो जो साजा शेख है वो उठाकर ले जाता था महिलाओं को, नहीं बोलते थे, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर पर सवाल जवाब कर। मेरा एक
अरे भैया हम संदेश खाली पे भी बोलेंगे, ब्रजभूषण सिंह पे भी बोलेंगे, मणिपुर पे बोलेंगे, और देश की हर बहन बेटी के ऊपर बोलेंगे। तुम्हारी तरह नहीं करते, एक के ऊपर बोलते, सब सारी बहन बेटियों के ऊपर बोलेंगे। और चलो तुम अब बात सुनिए, आपने क्या डर लग रहा है? उसने जो सवाल पूछा वो सबसे शायद जायज भाई जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इन सब में चुनाव हुआ प्रतिनिधि मैं ही, ठीक है? संदेश खाली पर कब बोलेंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ फांसी दे दो उनको, तुम ब्रजभूषण सिंह को देके दिखाओ, गिरफ्तारी करके दिखाओ। यही बात मैं करूँ, संदेश खाली पर कह सकते हो कि फांसी दे दो उनको? मैं करूँ फांसी दे दो, अब तुम गिरफ्तारी करके दिखा दो। अब जो बात थी जो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि जवाब छोटा दीजिए, मैं दे रहा हूँ। हाँ। मैं दो बार का चुनाव हुआ विधायक हूँ, भगवान की दया से बहुत सारे पदों को और लेके बैठा हूँ। दुनिया भर का दबाव दिया जाता है कि आप पार्टी को छोड़ दो, ठीक है? हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारे ये सब बैठी है, मेरी मम्मी हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, कोई चाचा होता ताऊ हो सकता है, सब ये सोचते हैं कि इतना खराब माहौल है, जाके क्या प्रूफ करोगे? एक छोटी सी फैमिली में एक छोटी सी प्यारी बेटी है, एक मेरी बीवी है, यहाँ पर बहन है, वो कहते हैं भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो कोई चीज आज की डेट में अगर एक गाड़ी नहीं लेने की कोई कोशिश करे, बीवी है, घोटाले का टाइम नहीं सोची थी? एक मिनट बोलने दो, शराब पिला राजेश गुप्ता जी, मैं सिर्फ कह सकती हूँ, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती हूँ, हम कर देंगे, यही और इनको चाहते हैं, जनता के कहने पर आ जाए, आ जाए, शिवम प्लीज, अच्छा ठीक है राजेश जी, प्लीज जाइए ना, क्यों परेशान हो रहे, ठीक है बोलिए। जब आदमी ये सीधा ये कह देना कि अगर आपने कुछ नहीं कराया तो आप डरिए मत, एक आम आदमी सच में बहुत डरता है, क्योंकि उसको तकलीफ होती है, उसका परिवार होता है चोरी करने से। शिवम मत करिए बीच में, आई एग्री, निहायती बदतमीज आदमी है, ऑन ट्रैक कह रहा हूं, निहायती बदतमीज ही है ये, इनको बात करने की तमीज ही नहीं है, ये ऐसे बात करेंगे? और शिवम त्यागी जी और अरविंद जी, ये अपने आप को ज्यादा हीरो बना रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए आज में आज के मुकाबला के लिए बस इतना ही, अब रोज